हो जाए दोस्तों आज की इस बढ़िया वीडियो के लिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं टोटल 6 ऑफलाइन वैकेंसियों के साथ साथ दोस्तों कुछ ऑनलाइन वैकेंसियां की भी इसके अंतर्गत मेंशन करने वाला हूं। तो सबके लिए ये वैकेंसियां रहने वाली हैं। साथ साथ मैं क्लियर कर दूं कि जो भी वैकेंसी मैं बता रहा हूं आज आपको, ये सारी की सारी ऑल ओवर इंडिया बेस्ड रहने वाले हैं। ये सारी इजी गवर्नमेंट है जॉब है, तो दोस्तों आप इनके अंतर्गत आराम से फॉर्म भर सकते हो। और ऑफलाइन फॉर्म कहाँ पे भरना है इस वीडियो के अंतर्गत मैं जानकारी दूंगा। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप कॉपी और पेन ले लीजिए, क्योंकि मैं दोस्तों इस वैकेंसी में पर जो पोस्ट है उसके अनुसार जितनी सैलरी आपको दी जाएगी और कहाँ पे आपको पोस्ट करना है उसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो जहाँ आपको पोस्ट करना है दोस्तों, या तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप उसका एड्रेस कॉपी में लिख लेना, ताकि दोस्तों आपको ऑफलाइन फॉर्म भेजते समय ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वैकेंसी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके लिए 6 प्लस आपको ऑनलाइन 4 या 5 वैकेंसियाँ मिल जाएंगी, तो टोटल 10 वैकेंसी आज की इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो दोस्तों इस एफर्ट्स के लिए 1 लाइक और 1 सब्सक्राइबर तो बनता है, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले वैकेंसी के ऊपर हम चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली वैकेंसी हमारी है जिला न्यायालय रायपुर के अंतर्गत। इसके लिए दोस्तों डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रायपुर की वैकेंसी रहने वाली है। बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट इसकी 30 मार्च 2024 रहने वाली है। इसके अंतर्गत चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, कलर, सहायक और स्टेनोग्राफर की वैकेंसियाँ आई हैं। बात करें टोटल वैकेंसी की, तो टोटल इसमें 22 वैकेंसियाँ आपकी आई है। योग्यता आरटी पास से लेकर स्नातक पास रखी गई है। निःशुल्क ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है, यानी दोस्तों आपका चार्ज जो भरने का है वो कुछ भी नहीं लिया जाएगा। पुरुष और महिला आवेदक ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बात करें इसके दोस्तों सैलरी की और दोस्तों आपको भेजना कहाँ होगा, तो दोस्तों जो भेजना कहाँ है वो मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रायपुर, डिस्ट्रिक्ट रायपुर आगे हैं दोस्तों 492001 छत्तीसगढ़ के एड्रेस पते पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। इसके अंतर्गत आप दोस्तों डॉक्यूमेंट्स का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में मांगे गए हैं। ज़्यादातर के अंतर्गत दोस्तों आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, जन्म प्रमाण पत्र और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका मांगा जाता है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है दोस्तों। बात करें चौकीदार की कितनी पोस्ट है, तो दोस्तों चौकीदार के लिए 6 पोस्ट इसमें रहने वाली है। एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल रखी गई है। वाटरमैन की वैकेंसी के लिए दोस्तों 5 पोस्ट है, इसमें भी सेम है दोस्तों 10,620 रुपये आपको पेमेंट दिया जाएगा और दोस्तों आरटी पास आपका होना जरूरी है। स्वीपर के लिए भी सेम वेतन है, आरटी पास 10,620 रुपये। इसके अलावा अगर आप सहायक ग्रेड के लिए वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसमें 6 पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये दिए जाएंगे। आपको इसमें स्नातक आप पास होना चाहिए और कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा आपका होना चाहिए और हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग मांगी गई है। स्टेनोग्राफर और कलर की वैकेंसी हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो कलर की वैकेंसी वो संविदा की रहने वाले हैं, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं नंबर 2 वैकेंसी की ओर। जो नंबर 2 वैकेंसी हमारी रहने वाली है दोस्तों, वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ओरैया के अंतर्गत। इसके अंतर्गत दोस्तों बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट रहने वाले हैं, तो दोस्तों अटेंडेंट, वॉचमैन कम मालिक की इसमें वैकेंसियां आई हैं। बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो दोस्तों इसकी लास्ट डेट 1 अप्रैल 2024 रहने वाले हैं। इसके अंतर्गत भी महिला और पुरुष आवेदक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें भी दोस्तों थोड़ा पेमेंट कम दिया जाएगा। तो आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं या नहीं भरना चाहते, इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों अटेंडेंट के लिए 8,000 रुपये मिलेंगे आपको, वॉचमैन कम मालिक के लिए 8,000 रुपये, काउंसलर के लिए दोस्तों 15,000 रुपये मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको स्नातक पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों बाकी के अंतर्गत 7वीं पास 10th पास आपका होना ज़रूरी है। इसके अंतर्गत दोस्तों अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों फॉर्म भर के रीजनल मैनेजर एंड चेयरमैन, लोकल एडवाइजरी कमेटी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल ऑफिसर 125 सिविल लाइंस इटावा, डिस्ट्रिक्ट इटावा 206001 यूपी के एड्रेस पते पर आपको भेजना होगा। नंबर 3 वैकेंसी के लिए हम चलते हैं दोस्तों। ये आइए दोस्तों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर पिथौरागढ़ के लिए अंतर्गत। इसके अंतर्गत दोस्तों चपरासी, कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर वैकेंसी हैं। इसकी लास्ट डेट की बात करें, तो इसकी लास्ट डेट 23 मार्च 2024 रहने वाली है। इसके अंतर्गत भी सभी जाति के फॉर्म भर सकते हैं। बात करें इसके अंतर्गत जो चपरासी की पोस्ट है, उसके अंतर्गत न्यूनतम 18 साल आपकी होनी चाहिए। वेतन आपको 12,000 रुपये दिए जाएंगे। योग्यता आपकी 10th पास होनी चाहिए। कार्यालय सहायक का आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके अंतर्गत 20,000 रुपये आपको पेमेंट दिया जाएगा। आप स्नातक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए।
20,000 रुपये इसमें भी दिया जाएगा और कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो भेजने वाला एड्रेस है वो है कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर पिथौरागढ़ 262501 के एड्रेस पर आपको भेजने हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अब तक BSF सीमा सुरक्षा बल के अंतर्गत जो कांस्टेबल SI SC लाइनमैन और स्टोरमैन की वैकेंसियां आई हैं उसका फॉर्म अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक पुलिस का भी फॉर्म आया है, वो ऑनलाइन आया है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की, नेक्स्ट वैकेंसी हमारी रहने वाली है दोस्तों केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत दोस्तों 27 अप्रैल 2024 तक आप फॉर्म भेज सकते हो। क्लर्क असिस्टेंट और टेक्नीशियन के पदों पर ये वैकेंसियाँ आई हैं। इन सारे पदों के लिए दोस्तों स्नातक पास आपका होना जरूरी है, लेकिन साहिबान अगर आप 10th पास या 8वीं पास ही है तो दोस्तों चपरासी भर्ती का दोस्तों मैंने कल ही वीडियो डाला है जिसमें डायरेक्ट आपका इंटरव्यू रहने वाला है, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। योग्यता 8वीं पास रखी गई है तो उस फॉर्म का भी दोस्तों दोनों फॉर्म आप भर सकते हो, जाके आप हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मिल जाएगा वहाँ से। बात करें दोस्तों इसके अंतर्गत अपर डिवीजन कलर की 3 वैकेंसियां रहेगी। आपका वेतन 25,500 से 81,100 रुपये दिया जाएगा। स्नातक पास तथा कंप्यूटर का नॉलेज आपको इसमें मांगा गया है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए विज्ञान विषय से स्नातक आपको होना चाहिए। इसमें अच्छी खासी पेमेंट आपको दी जाएगी, लगभग 30,000 से लेकर 92,300 दिए जाएंगे। पर्सनल असिस्टेंट के लिए दोस्तों 35,400 रुपये से लेकर 112,400 रुपये आपको दिए जाएंगे। स्नातक व हिंदी और अंग्रेजी में स्टेनो का ज्ञान आपको होना जरूरी है। असिस्टेंट की वैकेंसी की बात करें तो इसके लिए दोस्तों स्नातक पास और कंप्यूटर का नॉलेज आजकल दोस्तों हर किसी जॉब में मांगा जाने लगा है, क्योंकि कंप्यूटर का दोस्तों छोटा मोटा काम तो पड़ता ही पड़ता है। 44,900 से लेकर 142,400 रुपये आपको दिए जाएंगे, पद रहने वाले आपके दो। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपका जो भेजने वाला एड्रेस है वो है रजिस्ट्रार रानी लक्ष्मी बाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी ग्वालियर रोड झांसी 284-4003 UP के एड्रेस के ऊपर। आप दोस्तों इसका जो फॉर्म है वो ईमेल के ऊपर भी भेज सकते हो, वो ईमेल रहेगी registrar.rlbcau@gmail.com। इसका भी दोस्तों आप ईमेल के थ्रू फॉर्म भर सकते हो। वैसे आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि सारे फॉर्म को आपको एक बत्ती में भेज के भेजना होता है, यानी पूरा फॉर्मेट एक ही PDF में बनाना होगा। नेक्स्ट वैकेंसी पर अभी हम चलते हैं दोस्तों, जो आई है आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर के अंतर्गत। आर्मी पब्लिक स्कूल की दोस्तों क्लर्क ड्राइवर लेब सहायक रिसेप्शनिस्ट के पदों पर ये वैकेंसी आई है। दोस्तों वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो के अंत तक एक वैकेंसी आपकी सीक्रेट में मैं बताने वाला हूँ। उस दोस्तों क्लर्क ड्राइवर लेब सहायक की वैकेंसी के लिए दोस्तों आपका 10th पास लेकर स्नातक पास होना जरूरी है। और अब तक आपने दोस्तों जो क्लर्क चौकीदार ड्राइवर सफाई वाले का फॉर्म भी नहीं देखा तो ये वैकेंसी भी आप हमारे दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कीजिएगा। इसके अंतर्गत भी आपको ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा, अच्छी खासी ये भी वैकेंसी रहने वाली है। बात करें अपनी इस वैकेंसी की दोस्तों इसमें टोटल 8 पोस्ट रखी गई हैं। ड्राइवर की पोस्ट के लिए आप 10th पास होना चाहिए, साथ ही दोस्तों विज्ञान इसके अंतर्गत आप सेना का दोस्तों जो कैंडिडेट है वही आवेदन कर सकता है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। बाकी की पोस्ट के लिए आप आवेदन भर सकते हो। विज्ञान लेब सहायक हो गया, इसके लिए बारहवीं विज्ञान व कंप्यूटर का ज्ञान मांगा गया है। कंप्यूटर लेब टेक्नीशियन के लिए 12वीं विज्ञान और कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है, साथ ही रिसेप्शनिस्ट के लिए स्नातक पास होना चाहिए। लोअर डिवीजन कलर के लिए ये वैकेंसी, अपर डिवीजन कलर के लिए भी ये वैकेंसी है दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों के लिए, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हम चलते हैं दोस्तों, जो आपकी सीक्रेट वैकेंसी रहने वाली है ये एकदम बढ़िया वैकेंसी है दोस्तों, इसके अंतर्गत आप फॉर्म भर दीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी दोस्तों, ये हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वैकेंसियाँ हैं जिसमें कोई एग्जाम कोई सीधी भर्ती ये रहने वाले हैं, जिसमें आपको दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में इसका फॉर्म मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं दोस्तों जो NIEPVD के अंतर्गत वैकेंसी है लेब अटेंडेंट की, ये इसके अंतर्गत दोस्तों लेब अटेंडेंट कंसल्ट के लिए फॉर्म आया है, जो 21,250 रुपये आपको पेमेंट दिया जाएगा। योग्यता 12वीं पास इसमें मांगी गई है। आपको दोस्तों ये फॉर्म कहाँ भेजना होगा तो टू द डायरेक्टर NIEPVD 116 राजपुर रोड देहरादून 24800 उत्तराखंड के एड्रेस पते पर भेजना होगा। आपको दोस्तों मैंने चारों जो भी वैकेंसी आई तो उनके बारे में डिटेल से जानकारी दे दी है, और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर। फिलहाल इतना ही, जय हिंद।